गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाए गए थे। ब्रिटिश हुकूमत ये एक्ट बनाने के दौरान 1990 गलती कर रहे हैं तो ठीक है ना, आप क्यों संशोधन कर रहे हो भाई। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सुना है आपने, 1919 में, फिर ठीक कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेचर बने और इस सेंट्रल लेजिस्लेचर में सर्वप्रथम प्रेसिडेंशियल एड्रेस, उस समय प्रेसिडेंट नहीं था, गवर्नर जनरल की एड्रेस देने का ये परंपरा शुरू हुई। आज 100 साल गुजर गए, वो परंपरा जारी है, मैं यही कहना चाहते हैं। मतलब कभी ब्रिटिश हुकूमत में थे हम लोग, अभी अब आज़ादी के समय में है, फिर भी ये परंपरा बरकरार है। सर, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति जी की बड़ा अभिनंदन व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में अपना अभिभाषण दिए थे और अभिभाषण की तुरंत बाद हमारे बजट भी पेश हो गए, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एड्रेस राष्ट्रपति जी की अपनी भाषा नहीं होते, ये सरकार की अपना भाषण होते, उनका स्टेटमेंट होते हैं। तो बजट भी पेश हो गई और राज्यसभा में ये अभिभाषण के चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के भी जवाब आ गए, मतलब आधा हिस्सा हम पार चुके हैं। हमारे राष्ट्रपति जी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 27 पन्नों की ये अभिभाषण पेश किए हैं। सर, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पैंडेमिक में हो रहा है, इसके लिए इसका बड़ा अहमियत है, महत्व है। सर, जरूर उन्होंने सही फरमाया। सर, हम लोग भी पिछले शीतकालीन क्षेत्र चलाना चाहते थे और गुहार भी लगाए थे कि सब जब कोरोना काल में सब कुछ काम चलते हैं तो विंटर सेशन क्यों नहीं बुलाया जाए। अगर विंटर सेशन उस समय बुलाए जाते तो किसान की ये हालत को लेकर हम पहले से ही हमारा बात रखने का मौका मिलती, लेकिन सरकार को न जाने क्या उनका राय था कि उन्होंने ये कोरोना की बहाने विंटर सेशन नहीं बुलाया। फिर जब राष्ट्रपति जी की ये अभिभाषण हुई, उस समय भी कोरोना पेंडेमिक जारी है, उनका भी इसमें जिक्र है। सर, इसमें बड़ा गंभीरता से 3 कोटेशन इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि एक आसाम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए गए थे हमारे केरल के ब्रिटिश हुकूमत, भल्ला थोल साहब का है, उन्होंने भी एक इमोर्टल पैट्रियोटिक लिरिक्स उन्होंने बनाया था, और तीसरा बंगाल के ज्योतिरादित्य टैगोर, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ा भाई है, उनका भी एक कोटेशन गया है, जैसे कि आसाम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी के 3 कोटेशन बनाए गए थे हमारे ब्रिटिश हुकूमत, पता नहीं हल्ला थोल चुनाव की साहब का है कोई संपर्क, उन्होंने भी एक इमोर्टल प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था, कह सकते। और तीसरा इसमें जो जिक्र किया गया बंगाल के ज्योतिरादित्य टैगोर, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ा भाई है, उनका भी अंबिका गिरी राय चौधरी की अंबिका गिरी राय चौधरी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए गए थे हमारे ब्रिटिश हुकूमत, हल्ला थोल चुनाव की साहब का है कोई संपर्क, उन्होंने भी एक इमोर्टल प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था। सर, हिंदुस्तान बंगाल के ज्योतिरादित्य टैगोर, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इंडियन ट्रेडिशन अंबिका गिरी राय चौधरी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए गए थे ब्रिटिश हुकूमत,
Where the
तो महात्मा गांधी जी को यह कहना था कि मेरी चले तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा, हमारा बड़ा उजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, क्योंकि किसान यहां का राजा है। मुझे बचपन से एक कविता सिखाई गई, हे किसान तू बादशाह है, किसान जमीन से पैदा ना करे तो हम क्या खाएंगे। ये हमारे फादर ऑफ द नेशन ने हमें सिखाया था। आज इस चर्चा में बहुत सारे मुद्दा उठ रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बंगाल में दौरा किए हैं, वहाँ भी नेताजी रविंद्रनाथ टैगोर की बात उन्होंने जिक्र करते हैं, अच्छा लगता है। स्वामी विवेकानंद जी की बात भी यहाँ जिक्र होते हैं। सर, बात यह है कि किसी की बात जिक्र करना एक चीज होते हैं और उसकी बात पर चल के हम आगे निकलना दूसरा चीज होते हैं। द फैक्ट इज दैट द बीजेपी पार्टी हैज बीन bereft of any national icon, there lies the problem. So there is no harm of borrowing any idea or thought, but after borrowing the thought you should assimilate, imbibe the thought, idea, concept, teachings of those great men's understanding, those great men's perception, comprehension, etc. Here, स्वामी विवेकानंद जी की बात कहे गए हैं। मैं इन सबको सुविधा के लिए ये कहना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहे थे। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू द नेशन व्हिच हैज टॉट द वर्ल्ड यूनिवर्सल टॉलरेशन एंड एक्सेप्टेंस। वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेशन एंड एक्सेप्टेंस बट ऑल्सो एक्सेप्ट ऑल रिलीजियंस एज ट्रू। आई डू बिलोंग टू ए रिलीजियन which has given shelter to the persecuted, to the refugees of all religions and to the all nations of the world। ये स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा थी। उन्होंने बड़े चिंता जताई थी हमारे हिंदुस्तान की भविष्य के लिए, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सेक्टरियनिज्म, बायगोट्री एंड इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट फैनेटिसिज्म हैज लॉन्ग पोजेस्ड द अर्थ। इट हैज फिल्ड द ब्यूटिफुल अर्थ विथ वायलेंस। इट हैज ड्रेंज्ड द अर्थ विथ ह्यूमन ब्लड। It has destroyed the civilization. It has sent nation into despair. Had those horrible demons been not there, then
इंडिया विल बी मोर एडवांस देन नाउ। ये इसलिए कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहे हैं आपसे ज्यादा किसी को यह जानकारी नहीं है। आप कहते हैं नेताजी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिक्र किए हैं, नेताजी हम सबके लिए वीर पुरुष समान है। आप ये कह सकते कि नेताजी के साथ कांग्रेस पार्टी का तो मतभेद था, जरूर था। गांधी जी कहते थे नॉन वायलेंस क्रीड है, नेताजी कहते थे बहुत सारे पंथ के बीच वो भी एक पंथ है। फिर भी गांधी जी नेताजी को कहते थे कि प्रिंस ऑफ द पेट्रियट, और नेताजी गांधी जी को कहते थे फादर ऑफ द नेशन। हम आरएसएस की बड़ी नेता बहुत सारे हैं यहाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृहमंत्री जी भी है। मादुरा हिंदू महासभा की जो सेशन हुई थी और भागलपुर हिंदू महासभा की जो सेशन हुई थी 1940 और 41 में, उसमें सावरकर की क्या वक्तव्य थी, उनका जो लेक्चर दिया था, अगर उससे आप अगर उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सावरकर जी जब ब्रिटिश हुकूमत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े दिक्कत में फंसे गए थे, तो ब्रिटिश हुकूमत को मदद करने के लिए सावरकर बार बार गुहार लगाते थे कि सारे हिंदू भाइयों, हिंदू युवकों, आप सब ब्रिटिश को मदद करने के लिए फौज बनाओ और ब्रिटिश को मदद करो, क्योंकि ब्रिटिश को मदद करना इस समय की जरूरत है। मैंने सावरकर अब देख लीजिए सकते, मैं मादुरा हिंदू महासभा की सेशन की बात जिक्र किया 1940, और भागलपुर हिंदू महासभा की भी जिक्र किया। अब देख सकते हैं, बोलना यह चाहते हैं कि नेताजी को अब आपको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि चुनाव आए हैं, बंगाल जाने पड़ता है, बंगाल में नेताजी का ज्यादा पूजा होते हैं, श्रद्धा होते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, और क्या? और क्या? अरे सुनते जाओ। तो बात यह है कि मैंने कहा ना कि आपके बीच कोई नेशनलिस्ट नेशनल आइकॉन नहीं है, यह समस्या है आपका। आप इसलिए भटकते हैं, कहीं अगर कुछ मिल जाते हैं तो आप तुरंत पकड़ के उससे फायदा लेना चाहते हैं। आप इतने लोगों को नाम कर रहे हैं हिंदुस्तान की, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक लफ्ज नहीं निकालते हैं आपकी जवान से, क्यों ऐसा छोटापन है आपका? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जिज्ञेस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी की समय में हिंदुस्तान में क्या आत्मनिर्भर भारत की सूचना नहीं हुई, आप बताइए। अगर आप निष्पक्ष हो तो जरूर आप ये समर्थन करेंगे मेरे बात, लेकिन आप इधर उधर सब की बात करेंगे लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की बात कभी नहीं करेंगे, इंदिरा जी की बात कभी नहीं करेंगे, यह छोटापन है आपका। देखिए, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अगर इतिहास के पन्ने को हम खुलने का कोशिश करें, एक तरफ हमारे फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान है, दूसरी तरफ सब आपको मंत्री पद मिलेगा आपको। आजादी की समय आप छवि देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री देखिएगा, एक तरफ फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान, दूसरी तरफ हमारा जाति का पिता महात्मा गांधी, यही छवि है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ खान शाहनवाज खान आबिद हसन। कभी इनको जिक्र किया है आपने? नेताजी के नाम के साथ साथ आबिद हसन के नाम की जिक्र करना पड़ेगा, नेताजी के नाम के साथ साथ खान शाहनवाज खान के नाम को जिक्र करना पड़ेगा। हमारे खान अब्दुल गफ्फर खान साहब अपनी 95 ईयर्स उनका आयु थी, 95 ईयर्स आयु में 45 साल उन्होंने जेल की जिंदगी गुजारने पड़ी। अभी जाके बंगाल में आप नेताजी की वाह वाह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बड़ा खुशी हुई हम लोग।
अब उधार लीजिए, लेकिन उधार लेने के बाद अपने में वो संभाल लीजिए। आप बंगाल में जाकर नेताजी के नाम पे एक डॉक था, नेताजी डॉक, नाम बदल दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डॉक लगा दिया। अच्छा किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए आपको सम्मान देना जरूरी है, ठीक किया, लेकिन दूसरा किसी को कर सकते? क्या नेताजी डॉक को हटाने का क्या जरूरत था? आप बताइए, यह छोटापन नहीं है क्या? आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने प्लानिंग कमीशन की जन्म दिया था वो हटा दिया, तो मतलब एक के बाद एक उन्होंने जो प्रतिष्ठान की जन्म दिया था एक के बाद एक प्रतिष्ठान को आप खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर इनों को आप बाह बाह कर रहे हैं। यही हमारा आपसे सवाल है। आपका गृहमंत्री जी, आपका पार्टी की प्रेसिडेंट साहब बंगाल जाते हैं। हाँ, हमारा गृहमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, ये सरकार हम सबका है। हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता अमित शाह जी, बीजेपी पार्टी के नेता नड्डा साहब चुनाव आए हैं, बंगाल जा रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां उनका जन्म हुई। अरे अजीब बात है, पहले तो पढ़ के जाइए कि कहां उनका जन्म हुई या नहीं, आप अचानक कह रहे हैं कि शांति निकेतन में जन्म हुई है। लोग हंस रहे हैं, हमें बुरा लगता है कि कम से कम आप इतने बड़े पार्टी की एक सभापति होते हैं, हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चेयर थी उसमें जाके बैठ जाते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके बच के चलिए, आप जहां जाइए वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है उस पे, और वहां का जो इतिहास है उस पे थोड़ा गौर करके आप जाइए, एक बार नहीं 100 बार जाइए, 1000 बार जाइए, क्योंकि सारे देश जहां भी आपको मर्जी आप जा सकते, जहां भी आपको मर्जी आप चुनाव प्रचार कर सकते, लेकिन कहीं कहीं स्टेट में सूबे में अलग अलग किस्म के कृष्टि होते हैं, सृष्टि होते हैं, संस्कृति होते हैं, इसको थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान रखें। मैं आप लोगों के अंदर बहुत सारे आजकल रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर खुद लग रहे हैं मेरे को कि रविंद्रनाथ ठाकुर बन गए हैं, बुरा नहीं मानिए, मुझे जो लगता है वो कह रहे हैं। किसी को कोई सिमिलैरिटी आ जाते हैं इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो वाह वाह होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को जब ऊपर जब ज्यादा प्रेम आ जाते हैं तो 2-4 बात कहना जरूरी होते हैं। मैं बंगला भाषा में कह रहा हूं, हिंदी में मैं तर्जुमा करूंगा। अहो रहो तहो तबो आहोबान प्रचारित, सुनी तबो उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्टानी, पूरा पश्चिमा से तब सिंहासन पासे, प्रेम हार हय गाथा, जनगण ऐक्य विधायक, जय हुए भारत भाग्य विधाता, जय हुए जय हुए जय हुए जय 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 हुए। हिंदी में क्या कहते हैं, सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, हर सूबे की रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके, गुंधी प्रेम की माला सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो अगर भारत माता की हम पूजा करें तो हर मजहब की हर लोगों को साथ में लेने का जरूरत है। यही आज की सदन में मैं सबके सामने ये बात रखने का कोशिश करती हूं। अभी हिंदुस्तान में एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है मुसलमान, धीरे धीरे उसके साथ हिंदुस्तान में और एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है हमारे अन्नदाता किसान, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ किसान, दोनों को खिलाफ आप लोग जंग छिड़े हैं। यह तो सच्चा है, अगर यह सच्चा नहीं होता तो हमारे दिल्ली की सीमा में ये नजारा हमें क्यों देखने पड़ता, ये क्या हमारे लिए क्या गर्व की विषय होते हैं? बात सुनिए, ये क्या हमारे लिए गर्व का विषय होते हैं कि जहां हमारा सदन है, जहां हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ा पंचायत होते हैं,
यहां से 20-30 किलोमीटर दूरी में हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में किसान आकर खुले आसमान तले महीनों भर अपना बात रखते हुए एक दुर्दशाग्रस्त एक जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों क्यों 200 से ज्यादा हमारे किसान को जान गंवाने पर क्यों, क्या हो गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ये दिल्ली में रहते हुए सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दुनिया के साथ आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान के साथ आपको वार्ता करने का फुर्सत नहीं मिलता क्या? इतना अहंकार क्यों आपको? यह अहंकार किसी को आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं प्रधानमंत्री जी। अहंकार मानवता की क्षति करते हैं। आप लोहे की कील लगा दिया, आप कटीले तारों की बैरियर लगा दिया, आप बिजली पानी कट दिया, आप इंटरनेट बंद कर दिया, आप ट्रैक्टर घुसते ना पाए इसलिए नया नया कानून को अपना रहे हैं कि 10 साल की ज्यादा ट्रैक्टर नहीं घुसने देंगे। क्यों इस तरीके के अत्याचार हमारे किसान के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? किसान आपके खिलाफ क्या किए हैं? हमारे किसान की ये दुर्दशा, ये बर्बादी हमें सहन नहीं होता, इसलिए सदन में आके हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम किसानों की मुद्दा अलग से चर्चा किया जाए। वो भी आप नहीं सुनते। आपका बहुमत है, आप नहीं सुनोगे। बहुमत की बाहुबली को बंद करो। ये बहुमत की बाहुबली लोकतंत्र के लिए कोई शुभ चिन्ह नहीं होते हैं। ये बहुमतों की बाहुबली बंद करो और किसान के साथ वार्ता करके आप किसान की मांग पूरा करो सदन में सारे विपक्ष की ओर से, और खासकर आपका पार्टी भी बहुत सारे एमपी की ओर से मैं ये गुजारिश करता हूं। आपके पार्टी के बहुत सारे एमपी है चुप्पी साधे, बोलते नहीं। किसके खिलाफ बोलेंगे? बोलने से नौकरी जाएगी, टिकट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सारे एमपी को यह सोचना चाहिए कि आपके लिए खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा गया, पंजाब तो गई, यूपी भी जाने की कगार में पहुंच गए, तो ये खतरा मंडरा रहे हैं आपके ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि संभाल जाओ, ये बीजेपी वालों किसानों के खिलाफ जंग मत छेड़ो। किसान हमारा भाग्य विधाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान ना होते तो हम, आप, तुम, कोई ये सदन में आने का मौका नहीं मिलते। अरे इस तरीके की कार्रवाई किया जाता, किसान हमारा दुश्मन है? लाल किले पे किसी ने चढ़े थे, किसी ने अपमान किया? लाल किला हमारा एक पहचान है, हमारा एक धरोहर है। अगर अमित शाह जी जैसा इतना ताकतवर एक स्वराष्ट्र मंत्री रहते हुए कुछ उपद्रवियों ने कैसे ये लाल किले में पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कि लाखों की तादाद में हमारे सुरक्षा कर्मी, और खासकर देखिए एक बात, सबसे बड़ा बात यह है, देखिए कि 26 जनवरी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा तैनात होते हैं, सबसे ज्यादा, आगे पीछे कोई नहीं। 26 जनवरी हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित दिवस होते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी है, राफेल दिखाते थे, हमारे बहुत सारे और कुछ दिखाते थे, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने उसी के बीच कैसे लाल किले पहुंच गए, इसका कोई तब्दीश नहीं होगी, इसका कोई पहचान नहीं होगी। आपको सारे दिल्ली में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज तक किसी को यह जानकारी नहीं है कि किसने हुआ गए, कैसे हुआ झंडा गड़ा, कैसे झंडा लगाया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी के पहले हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से यह बयान आया था कि पाकिस्तान में कुछ हैंडलर ये गड़बड़ी करने का साजिश कर रहे हैं। जब आपके पास में इतने सारे जानकारियां है, पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं उसका जानकारी आपके पास है, लेकिन
यहां क्या हो रहा है उसके जानकारी आपके पास नहीं है। सच तो यह है कि आप खुद चाहते थे कुछ घटना घटे क्योंकि आम लोगों को निगाहों के भटकाया जाए, यही तो बात है ना। यह आपकी सोची समझी सुनियोजित एक साजिश है। इस साजिश के चलते आप अपने लोगों को किसान सजाकर बनाकर ये झंडा गाड़ने के लिए और झंडा फहराने के लिए और लाल किले में पहुंचा दिया। आपने ये काम किया, अगर सही ढंग से तब्दीश हो तो पता चलेगा ये कोई नहीं, ये षड्यंत्रकारी कोई किसान नहीं, षड्यंत्रकारी सेब और सेब ये सरकार की नुमाइंदे है, सरकार इसके पीछे है। अगर नहीं है तो आप जेपीसी बैठाओ, हमें सारे वो जो सीसीटीवी के सारे क्लिप हमें दिखाओ, हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन उपद्रवी है। आपको सारे कुछ जानकारी है लेकिन आप छुपा रहे हैं। हो सकता कि आज रही सदन खत्म होने के बाद दो चार नाम आ जाएगी, लेकिन आप बड़ा त्वरित गति से, बड़ा चतुरता से, बड़ा तत्परता से आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको इस अपराध में फंसा दिए, एक नहीं बहुत सारे लोगों को फंसा दिए। आपको इजाजत देने के लिए कौन, हाँ आपको ये रैली निकालने के लिए आपने इजाजत दिया था ये रैली निकालने के लिए, रैली निकालने के लिए सरकार खुद इजाजत दिया था, आप रूट खुद बनाया था। फिर अगर गड़बड़ हुई तो क्यों आपको जिम्मेवारी नहीं होगा, आप खुद बताओ। और वो भी आज तक हमें जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है, क्यों आप बताओ। और तुरंत गति से आप सारे किसान आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक केस, फजूले केस दर्ज करके आप किससे बदला लेना चाहते हैं। जब बलपूर्वक नहीं हुई, आप छल पूर्वक किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, आप फूट डालना चाहते हैं, आप तरह तरह की बातें करते हैं किसानों के बीच दरार पैदा करने के लिए, यही तो आपका मकसद है। नहीं तो कैसे एक हिंदुस्तान की सरकार की एक मंत्री कैसी एक कहे कि ये पंजाब की मसला है, दूसरे प्रदेश में कुछ नहीं होता, ये सही है क्या? सिर्फ पंजाब में ये मसला है? आप पंजाब के साथ नॉन पंजाब को तोड़ना चाहते हैं? आप ये जो किसान रैली होते हैं कास्ट क्रीड रिलीजियन ब्राह्मण चंडल सब शामिल है, पुरुष महिला सब शामिल है, 100 साल की बुजुर्ग भी वहां शामिल है, 100 साल की बुजुर्ग शामिल है। राजनाथ जी बुजुर्ग नहीं, आपको वरिष्ठ कर कहना चाहते थे, उस समय बुजुर्ग निकल गया। 100 साल की बुजुर्ग शामिल है, 13 साल की बच्चा शामिल है, महिला शामिल है, आप तस्वीर देखो। लेकिन ये एक जन आंदोलन पैदा हो गए सारे दुनिया में इस तरह के आंदोलन कहीं नहीं होते जो अब हिंदुस्तान में होते। ये जन आंदोलन पैदा हो गए हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस एक इवापोरेशन होता है, अंदर की जो खौफ है, जो आक्रोश है, उसका एक स्पॉन्टेनियस एक जागरण होते हैं। लेकिन आप क्या किया, दिल्ली को अगर देखे तो लगता है कि हम लोग अफगानिस्तान की काबुल में पहुंच गए सर, दिल्ली को अगर देखे तो लगता है कि हम अफगानिस्तान की काबुल में पहुंच गए। दिल्ली के अगर देखे सिंगू बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो हमें लगता है कि इराक की बगदाद पहुंच गए। अगर दिल्ली को देखे तो लगता है कि सीरिया की एलेप्पो पहुंच गए और येमेन की साना पहुंच गए। क्या ऐसा हालत है हमारा? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सारे दुनिया में हमारे खिलाफ चर्चा हो रहे हैं, सारे दुनिया में हमारे छवि धूमिल हो रहे हैं, क्यों? क्या बजाय था इसका? आप एक 18 साल की बच्ची ग्रेटा एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि किसान के साथ हम अपना समर्थन जताते हैं, इसमें क्या गुनाह है? अब बताओ क्या गुनाह है? जब वियतनाम में बमबारी करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम वियतनाम की लोगों की समर्थन में बात नहीं रखे थे? जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर अत्याचार हुई, पीटते पीटते को जान ले गई थी, तो हिंदुस्तान के लोग हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई?
आप खुद जाके अमेरिका में जाकर यह कहते हैं कि आपकी बार ट्रंप की सरकार, हम तो कुछ नहीं कहा आपको, तो ये तो आप कहते थे। जब बांग्लादेश में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उनको समर्थन जताया था। तो ये तो दुनिया की नियम है, दुनिया में हर कोने में कहीं भी कुछ अगर हो तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या? सुनामी हुई थी तो हम मदद नहीं किया था? इसमें अन्याय क्या है, इसमें गुना क्या है, मुझे पता नहीं। अगर ग्रेटा ने दिल्ली आकर ये कहे या दिल्ली के बारे में ये कहे कि पंजाब हरियाणा में परौली की जलते हुए हमारे दिल्ली में काफी प्रदूषण हो रहे हैं, तो क्या गुना होगी भाई? नहीं होगा। एक 18 साल की बच्ची के खिलाफ सारे सरकार जंग छेड़ दिया, सारे सरकार उतर गए, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तरह तरह की बयानबाजी करने, क्या जरूरत है? इंडिया कॉकस यूएस हमारे खिलाफ बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स हमारे खिलाफ बात करते हैं, अरे कनाडा की प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे खिलाफ बात करते हैं, तो क्यों इनको ये बात रखने की मौका कौन देते हैं बताइए? अगर आप लोग हमारे देश की अच्छे अच्छे बड़े जो सेलिब्रिटी है, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इनको गुमराह करके इनको आप इस पे आपकी ये नारे में शामिल कर रहे हैं, इसको बरगलाने का क्या जरूरत था? इसको बरगलाने का क्या जरूरत था? आज दुनिया में बहुत सारे सितारे ये ग्रेटा की पक्ष रख रहे हैं, इसका छवि किसका खराब हो रहा है बताइए? एक निष्पक्ष बात करना चाहते हैं मैं, इसमें छवि किसका खराब होता है? हमारा देश का इतना कमजोर है, हमारा देश की 130 करोड़ आबादी का इतना कमजोर है कि एक 18 साल की बच्ची हमारे खिलाफ नहीं वो किसानों की पक्ष रखने के चलते हम उसको दुश्मन समझ रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की यही तस्वीर होगा, हमारे हिंदुस्तान की क्या यही नजारा होगा? मैं पूछ रहा हूं सारे सदन को, ये ग्रेटा को अब पर्सनल नॉन ग्रेटा बना दिया, क्यों बना दिया ऐसा? ये किसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे सृष्टि कृष्टि संस्कृति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। सर मैं और दो चार बात करेंगे सर, इनके खिलाफ बात बोलने के समय सर बोलते रहते समाप्त नहीं होते क्योंकि इतना बात जमा हुए हैं। सर बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और एक बड़ा गंभीर मुद्दा आपके सामने मैं रखना चाहते हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा। आपने वो पुलवामा में जो घटना घटी थी उसमें आप उस समय तो आप कोई प्रोग्राम कर रहे थे, फिर बाद में आपको पता चला देश के हर व्यक्ति हर नागरिक पुलवामा में जो 40 हमारा सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी, जो शहीद हुई थी, उसके लिए हम सब अपना खेद व्यक्त किया, सबने बड़ा दुखी थी। जैसे कि दिल्ली में ये प्रदर्शनकारियों ने जिस ढंग से उपद्रव किए हैं और लाल किले में चढ़ के जिस घटना घटाई है उस समय जो पुलिसकर्मियों जो सुरक्षाकर्मियों के ऊपर चोट आई थी उसके लिए भी मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। तो पुलवामा में जो घटना घटी थी उसके बदले उसके तुरंत कुछ दिन बाद हम लोग बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, बड़े खुशी हुई थी हम लोग। लेकिन जब खबर आ रहे हैं कि आपको बालाकोट स्ट्राइक की खबर जब हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति को नहीं पता था, किसी को भनक भी नहीं था, तो एक पत्रकार को एक मीडिया वालों को कैसे पता चल गया? यह बड़ा दिक्कत की बात, बड़ा चिंता की बात है। इसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी के खतरे में है, यह आपको सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। यह टीआरपी स्कैम के बारे में हम चाहते हैं सदन में कि जेपीसी के हवाले में यह टीआरपी स्कैम पे चर्चा हो। पुलवामा की घटना पता चल गया अर्णब गोस्वामी बोल के कोई एक पत्रकारों को, कोई एक मीडिया वालों को, ओ ये मीडिया वालों आपके साथ आपके लिए बहुत काम करते हैं, ये भी हमें जानकारी है। आप हर वक्त मीडिया वालों की पक्ष आप रखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा चिंता के विषय होता है कि बिकॉज द फैक्ट इज द ओनली पीपल हु हैड नॉलेज ऑफ दिस ऑपरेशन वर द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये आपको देखना पड़ेगा। पुलवामा की घटना में
23rd February, 3 days before the Balakot strike. ये जर्नलिस्ट को कैसे पता चला कि हुआ बड़ा अच्छा खबर बनने वाला है और वो खबर इस तरीके की देश में फैलाएगा कि हमारा जो मीडिया है वो मीडिया की बड़ा तरक्की होगी. तो ये द ओनली पीपल हु हैव नॉलेज ऑफ दिस ऑपरेशन एट द प्राइम मिनिस्टर, मैं बालाकोट के बारे में कह रहा हूं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन ए सिंपल एक्सचेंज बिटवीन अर्णब गोस्वामी एंड पार्थ दास गुप्ता, इट इज मेंशन, इट इज ए गुड फॉर बिग मैन इन दिस सेशन, ही विल स्वीप पोल्स देन. ये मैंने उन्होंने कहा है. हु इज द बिग मैन? मेरा सवाल यह कि हु इज द बिग मैन? किसके लिए किसके लिए अर्णब गोस्वामी ये बात रख रहे थे? हु वॉज द बिग मैन? कैन द मार्टर्डम ऑफ 40 इंडियन सोल्जर्स बी ए मैटर ऑफ विक्ट्री फॉर एनी इंडियन? Which one of these four individuals shared sensitive secret about a top military operation with a civilian not authorized to possession such information? Does this not amount to an act of treason towards the nation, its armed forces, and every single patriotic Indian? Is this not a blatant violation of the Official Secrets Act? ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या हो रहा है देश में? बालाकोट में अभी क्या हुआ पता नहीं हमें, लेकिन हम मानते हैं जरूर कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ पता नहीं. कितने मिलिटेंट की मौत हुई अभी तक पता नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बारे में कुछ बताया नहीं. लेकिन बालाकोट घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान जब हमारे ऊपर हमलावर हुई थी, हमारा एक हेलीकॉप्टर को खत्म कर दिया, हमारे दो चार आर्मी मैन भी उसमें शहीद हो गए थे, और बड़ी बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जवान अभिनव वर्तमान वापस भी आ गए थे. सर हिंदुस्तान की लोग बड़े खुशी हुई थी, हर्ष उल्लास किया था. लेकिन असलियत क्या है ये जानने का अधिकार हम सबको है. बालाकोट अभी भी अंधेरा में छाए हुए है, अभी भी बालाकोट की सीक्रेट उजागर नहीं हुई है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जवानों पे हम जरा भी शक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन जिस ढंग से बताया जा रहे हैं कि बालाकोट की घटना, बालाकोट की एयर स्ट्राइक चुनाव की फायदे के लिए किया गया है, चुनाव की फायदा होगा, और उसका जानकारी प्रधानमंत्री की पहले, हम देशवासियों की पहले, जो जानकारी प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता होना चाहिए, उसको पता कैसे लग गया एक दूसरे व्यक्ति को? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, ये जरूर हमें जानकारी लेना चाहिए. सदस्य हैं आप, सब ठीक है सर, अगर आप रहे तो मुझे दिक्कत नहीं. आप पूरा समय ले लें तो फिर और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा. ठीक है सर, मैं आप बैठ जाए, आपको इजाजत नहीं दी अभी. सर बात यह है कि सर ये इतना गहरा, आपके दल के सर इतना ये गंभीर मामला है सर, ये देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर. यह डिफेंस मिनिस्टर साहब भी है, मुझे पता है कि उनका कोई जानकारी नहीं रहते. आप तो कहते कि वो ड्रोन वॉरियर बना रहे हैं, तो ड्रोन वॉरियर जब HAL बना रहे हैं तो हमारा राफेल क्यों बनाने सके है, ये भी आपको सवाल करता. किंतु क्योंकि राहुल जी हमारे नेता बराबर इसके लिए पक्ष रखते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनको राफेल बनाने की कुछ सुविधा दिया जाए. जब ड्रोन वॉरियर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो राफेल की कुछ हिस्सा क्यों नहीं बना पाते, ये जरूर हम जानना चाहते हैं. और डिफेंस मिनिस्टर आप बताइए कि लद्दाख ले में हमारा हाल क्या है, आंखों देखा हाल बताइए. हमारा अरुणाचल में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कोई नहीं घुसे हुए है, कोई कैंप नहीं कब्जे में आए हैं दुश्मनों की, लेकिन 1000 square kilometer की इलाका कब्जे में है. आप खुद कह रहे हैं कि स्टेटस को चाहते हैं, स्टेटस को आप चाहते हैं कि मतलब क्या है? स्टेटस को नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि यथापूर्व स्थिति हम चाहते हैं, ये आपका राय है. तो हम सदन को बताइए कि लद्दाख की हाल क्या है, हुआ हमारे स्थिति का, कब तक ये चीनी फौजों को धक्के मार के चीन देश में हम भेजेंगे, आपको बताना पड़ेगा. हम सारे आपके पक्ष में हैं, हम सारे हिंदुस्तान के वीर जवानों के साथ में हैं, लेकिन लद्दाख से चीनी फौज को धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए, ये हमारा मांग है.
सर आजादी की, सर आजादी की कभी सामना नहीं देंगे, हमारे शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे, बची रहे जब तक एक बूंद लहू अपने रंगों में, भारत माता को आंचल को बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद। धन्यवाद श्री टी आर बालू जी। Honorable Speaker, sir, while thanking the Prime President of India, it is my first and foremost duty.